अर्जेंटीना में सप्लाई बढ़ने से और कच्चे तेल में कमजोरी आने के साथ ही सोयाबीन और सोया तेल की कीमतों में एक तरफा मंदी की स्थिति बनी हुई है। सोयाबीन इस साल से अपने हाई 6800 रुपए से कमजोर होकर नीचे में 5100 रुपए प्रति क्विंटल पर गिर चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार आगे मंडियों में जब आवक बढ़ेगी तो कीमतों में और गिरावट आ सकती है। मौजूदा भाव से अभी सोयाबीन में 700 से 800 रुपए की और गिरावट आने का अनुमान है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन के बंपर फसल की उम्मीद है और वहीं सरसों का ज्यादा स्टॉक और मलेशिया में सीपीओ की कीमतों में आ रही कमजोरी की वजह से सोयाबीन तेल लगातार सस्ता हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक इस साल तिलहन फसल की बुआई घटकर 50,18,000 हेक्टेयर पर सिमट गई है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में खरीफ सत्र के दौरान राज्य में 55,14,000 हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया था। गौरतलब है कि राज्य में देश का आधे से ज्यादा सोयाबीन पैदा होता है। ऐसे में जानकारों का कहना है मध्य प्रदेश से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके चलते आगे सोयाबीन की कीमतों पर दबाव बनने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।